चीनी वगैरह को धार करने के लिए इसकी स्टील को सख्त करना होता है। आज हम इसे एक तजुर्बे से देखेंगे। इसके लिए आपको दो पेपर क्लिप दरकार होंगे जो स्टील के बने होते हैं, और घर की गैस और एक पकड़ दरकार होगा। सबसे पहले दोनों पेपर क्लिप को खोलकर बिल्कुल तार की तरह सीधा कर दें। ये रहे दोनों तार। फिर एक सिरे को पकड़ कर इसे गैस पर लगभग 2 मिनट तक गर्म करें। ये तार बिल्कुल लाल हो जाएगा। और 2 मिनट तक गर्म करने के बाद इसे ठंडे पानी में, एक ग्लास में ठंडा पानी रखा है, इसमें डुबो दें। तार ठंडा हो जाएगा। और अब इस तार को, जिसको के आपने गर्म करके ठंडा किया है, ये तार बिल्कुल सख्त हो जाएगी। अब इसे मोड़ेंगे तो ये मुड़ेगा नहीं, चाहे टूट जाएगा। इस तरह से जब स्टील बनती है, जब इसको धार देते हैं, तो इसकी धार काफ़ी वक्त तक रहती है। अब दूसरे तार को भी 2 मिनट तक लाल होने के लिए गर्म करें। लेकिन गर्म करने के बाद इसको पानी में ना डालकर आम हरारत में हवा में धीरे धीरे करके ठंडे होने दें। और इस दौरान इसके अंदर के पार्टिकल्स को रीअरेंज करने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा। अब ठंडा हो जाने के बाद आप इसका मुशाहिदा करेंगे तो आप पाएंगे कि ये तार बहुत ही मुलायम है। इसे आप मोड़ सकते हैं। जब पहले वाला बहुत सख्त था, वो सख्त चाहिए होता है, इसे आप धार कर सकते हैं और ये बहुत ही नरम है जो धीरे धीरे ठंडा हुआ है। इस अमल को अनीलिंग कहते हैं।